दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ये सब जानते हैं कि चुनाव में, चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी के लिए संगठनात्मक चुनाव बहुत जरूरी होते हैं। ग्राम स्तर से लेकर विधानसभा प्रभारी तक, जिला अध्यक्ष तक, जब ये टीमें बन जाती हैं तभी जाकर पदाधिकारी जनता के बीच में किसी भी पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं और उसको सत्ता में लाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज उस अवसर पर, जबकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, चुनावों की उल्टी गिनती हरियाणा में शुरू हो चुकी है, इन हालात में जब कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के हाईकमान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया जी जो घोषणाएं कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का सत्ता में लौटना लाजमी है, तय है, और नारा भी दे रहे हैं कि इस बार कांग्रेस 70 पार, तो मैं प्रदेश की जनता की तरफ से, कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की तरफ से, जो अक्सर हमसे भी सवाल पूछते हैं, हाईकमान से भी सवाल पूछते हैं, अपने बड़े नेताओं से भी सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस हाईकमान जवाब दे कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव कब होंगे, क्या हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद होंगे। प्रदेश भर के कांग्रेस समर्थकों, कांग्रेस कर्ताओं, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं, विधानसभा क्षेत्र के स्तर के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बहुत बेचैनी है कि जो कांग्रेस नेता इस बार 70 पार का नारा दे रहे हैं, पिछले कई वर्षों से दर्जनों बार घोषणाएं करने के बावजूद वो ना तो पूरे हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्तियां कर पाए हैं, ना ही विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों की नियुक्ति कर पाए हैं, ना ही उनसे नीचे के पदाधिकारियों की नियुक्तियां कर पाए हैं। जब इसी स्तर पर संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं, नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो दोस्तों कांग्रेस के बूथ स्तर तक भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और जब तक, जो मैंने गिनाए हैं, पूरे प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव नहीं होंगे, जिला अध्यक्षों की, विधानसभा प्रभारियों की या और नीचे के संगठनात्मक प्रभारियों के नियुक्तियां नहीं होंगी, तो जमीनी स्तर पर जिले के पदाधिकारी, कांग्रेस जन बिना सिस्टम के कांग्रेस को जिताने के लिए कैसे काम करेंगे, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, जब उनके पास अधिकार नहीं है, जब उनके पास पद नहीं है, जब उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी नहीं गई हैं। तो दोस्तों, ये मैं जो कह रहा हूं, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस जनों की आवाज है। और यदि हरियाणा में संगठनात्मक चुनाव हुए होते और
ये चुनाव लोकसभा चुनावों से पहले हो गए होते तो कांग्रेस जन दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में कई और सीटें जीती जा सकती थी। कांग्रेस को मिलने वाले वोटों की संख्या कहीं और ज्यादा हो सकती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन संगठनात्मक चुनावों का जो मुद्दा है आखिर कहां अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस हाईकमान, उनमें इतनी भी शक्ति नहीं है या उनके पास इतना अधिकार नहीं है? क्या वो संगठनात्मक चुनाव कराने से डरते हैं? क्या उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं है कि यदि उन्होंने चुनाव कराए तो कांग्रेस में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा? लेकिन दोस्तों, ये तय है कि यदि कांग्रेस हाईकमान ऐसा सोचता है तो वो गलत है, और जो कांग्रेस जनों के बीच से आवाज आ रही है कि यदि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले संगठनात्मक चुनाव नहीं कराए, पदाधिकारियों को नियुक्ति नहीं कराई, तो हाईकमान का कांग्रेस में सत्ता में लौटना एक ख्वाब साबित हो सकता है। कांग्रेस का सत्तर पार, इस बार सत्तर पार का नारा भी हवा हवाई रह सकता है। कांग्रेस जन, कांग्रेस कार्यकर्ता, ये एक तरीके से कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी दे रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ गुनाह कर रहे हैं, कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों को टालते रहने के कारण। दर्जनों बार हाईकमान घोषणा कर चुका है, दीपक बावरिया जी कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान भी कर चुके हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी संगठनात्मक चुनावों की घोषणाएं लोकसभा चुनावों से पहले ही कह रहे थे, क्योंकि हम लोकसभा चुनावों से पहले पहले नियुक्तियां कर देंगे, संगठनात्मक चुनाव पूरे कर देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव भी चले गए और विधानसभा चुनाव भी सर पर आ गए। आखिर कांग्रेस हाईकमान संगठनात्मक चुनाव कब करेगा? ये एक बड़ा सवाल प्रदेश की जनता के सामने, कांग्रेस समर्थकों के सामने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने एक बड़ा सवाल है। तो देखते हैं कि कांग्रेस हाईकमान विधानसभा चुनावों से इस जिम्मेदारी को निभाता है या नहीं, या लोकसभा चुनावों की तरह हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले भी इस बार भी कांग्रेस के प्रदेश संगठनात्मक चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, कांग्रेस जनों के इस सवाल का जवाब कांग्रेस हाईकमान कब देता है या नहीं देता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।